देखो उसकी काट तो चलो इतना खराब मंजा आएगा शिवम। आई वो देखो आगे ले जा चुका हूँ और उससे लड़ाते हुए आई वो आई वो और ये उड़ चुके हैं ये गई देखो और यहाँ से हो चुका है अनबॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? यार वीडियो टाइटल में देख ले तो पतंगे इनको नहीं दिखाऊंगा, आज मैंने मंगाया बढ़िया वाला मांजा, दिखाता हूँ अभी इसको अनबॉक्स करके। देखो मेरे को अभी डिलीवर हुआ है, ये रहा मेरा नाम वगैरह और जो मैंने फाड़ रखा है ये वो है, जो मेरा फोन नंबर है वो मैं किसी को नहीं देना चाहता, और ये मेरे को अभी कोरियर हुआ है। इसमें है शिवम सुरती करके मांजा, जो आपने टाइटल में देखा है और थंबनेल में देखा है, इसको अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आओ जरा, अरे वाह पैकेजिंग तो अच्छी करी, ये कहाँ से हुआ है मेरे को डिलीवर, मैं तो नाम ही भूल गया, साउथ इंडिया से हुआ है। और ये जो मंजा अनबॉक्स कर रहा हूँ साउथ इंडिया का, भाई साहब मोस्ट फेमस मंजा है, मतलब कि वहाँ पे यही होता है। बट आज हम इसका ना पर्सनल रिव्यू करके दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है, जो भी इसकी गलती होगी एक एक बारीकी से बताऊंगा अगर आप लेते हो तो, या लेने से पहले सोच रहे हो तो। और इसके साथ ना दूसरी एक और खतरनाक चीज़ है, वो अगर देख रही है आपको तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, पहले नहीं बताता हूँ। बाय द वे मंजा तो अच्छा है, देखो खुल चुका है और यहाँ से हो चुका है अनबॉक्स। तो गाइज ये निकला है हमारा कुछ ऐसा, अभी इसमें से देखो करा है, और इसमें दूसरी क्या चीज़ है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, देखो पता नहीं इसमें कौन सी भाषा लिखी है लेकिन शिवम लिखा है, शिवम करके इस पर स्क्रैच कोड है क्या? नहीं स्क्रैच कोड नहीं, ब्रांडिंग है। पैकेजिंग तो इसकी अच्छी है, बाय द वे यूज़ करने के बाद पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। और यहाँ से इसमें निकली ये शिवम सूरती, नीचे लोहे का लग रहा है, इस पर देखो भगवान भोले जी भी हैं। अच्छा यहाँ से होगा ये, मुझे लग रहा है कि स्क्रैच कोड होगा इस पर, देख लेता हूँ कभी कुछ होता हो, क्योंकि मैंने तो पहली बार फर्स्ट टाइम किया है। नहीं यार कोई भी स्क्रैच कोड नहीं है, डायरेक्ट वही है इनका लेबल ही। ये देखो टेप हट चुकी है और देखो अनबॉक्स होके कुछ ऐसा निकला है, और कलर भी यार मेरे को एक नंबर भेजा है, मुझे लगता है कलर इसमें यही आता है, कैसा आता है वो आप कमेंट करके बताओ जो जो इसको परचेज कर चुके हो। और जो करने वाले हो ना अभी मत करना जब तक पूरी वीडियो नहीं देख लो। गाइस सुनो, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस डोर को, इस पर कांच ना ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बिखेर दिया गया है, तो कुछ चमकीली है कांच ना हो करके, कॉटन बन जाए वैसे तो खतरनाक चीज है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, ये तो दिखेगी ही नहीं उसमें, उड़ा देता हूँ अभी। मैंने निकाली है भूत वाली पाकिस्तानी टाइप की काई, हो गए होल और नीचे में कर लेना, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, आज मेरे को एक्साइटमेंट है यार इसकी। देखो शिवम सुरती बांधे की, आज कन्ने भी शिवम सुरती से ही बांध देता हूँ, इसके कन्ने बांध लिए, ये मैंने नीचे भी देखो नोट्स लगा लिए तरह से लेना है, और एक आध इंची आगे रख के और इसमें आपको गियर लगा देना एक और। शिवम सुरती को मांजे की टेस्टिंग करने के लिए मैं पहली बार ये मंजा टेस्टिंग आज करेंगे, उड़ा दिए मैंने देखो अपनी पाकिस्तानी पतंग, थोड़ा आगे आ जाओ। इस पैकेजिंग मेरे को पता, इससे एक अच्छी चीज़ लगी, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अब इसको बढ़ा देता हूँ जल्दी से। गाइस देखो मैं पहला पेज लड़ाते हुए आई आई आपके सामने काट दिया शिवम सुरती मांजे ने, अभी भी मत समझना कि पतंग मंजा कैसा कैसा नहीं है। गाइस ये देखो आगे भी लड़ा रहा हूं मैं, ओ गाइस शिवम सुरती मांजे से हमारी पतंग कट चुकी है। ये मंजा अगर आप दिल्ली में लाके उड़ाओगे 1% काम नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में करते हैं सारे के सारे मैदानी मांजा। और मैं अपना मंजा लपेटता हूँ और इधर आओ जरा, इसमें घिस घिस के आ रहा है, देखो सब इसका मटेरियल छूट चुका है, हाथ में मेरे पूरा का पूरा रेज कहूंगा मैं इसको, ज्यादा अच्छा नहीं है हाथ पे, देखो पूरा का पूरा कलर छूट चुका है। और नेक्स्ट लड़ाता हूँ और दिखाता हूँ गाइज, अब मैं उड़ा रहा हूँ अपनी पोनी पतंग इसी मांजे से, क्योंकि और कोई मंजा मैं आज नहीं लेके आया हूँ अपने को। अगर आप क्या कहते हैं कहीं पंजाब से वहाँ से ऑर्डर करोगे तो यार इतना कोई इसका खास रिजल्ट नहीं है, अपने इंडियन मांजे के आगे ना भाई ये नहीं टिक पाएगा, जो मैं क्या कहते हैं बरेली के मंजे यूज करता हूँ। इसको पता है अगर कोई ले भी लेता है तो एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए गाइस, उससे लड़ा हूँ जिससे मेरी काटी थी, मैं तो उससे लड़ा हूँ, ये देखो और उड़ा रहा है इसकी काटने की कोशिश करता हूँ, और ये शिवम सुरती मांजे ने बच गई, दोबारा कट दी नहीं तो उसी की फंस गई गाइस, उसमें फंस चुकी है।
गाइस ये क्या हुआ, उसमें तो फंसी गई। इतना कच्चा मंजा, इतना खराब मंजा आएगा। शिवम आई बो आई बो। गाइस शिवम सूरती ने काट दिए पतंग, उसकी काटी है जिसकी मैंने पहले काटी थी, इसकी काटता हूँ। फंसा के मुझे लगा कि इतनी देर लगेगी। चलो दिखाया था ना इसके ऊपर कांच है चमकीली है, वो रियल बात है भाई। वो मुझे लग रहा है गेरी गई है ऊपर से। गाइस ओवरऑल इसकी क्या कहते हैं वो देखो एक बार, मैं जरा टेस्ट करता हूँ, अगर कोई लाए और इसके हाथ से गिर जाए देखना, गिरते हुए दिखाओ। मजबूत है ऐसे थोड़ी पता चलेगा। मजबूत तो है भाई। ये अभी और ये उड़ चुके हैं, ये गई देखो। गाइस गई ये भी। गाइस ये मंजा की एक बार वो दिखा देता हूँ ओवरऑल। इस पे लिख रहा है देखो कोड 9 कोड का मंजा है। जब ही तो मैं कहूँ इतना मोटा क्यों है। नेट वेट 250 ग्राम, MRP 900 रुपए। क्या ये यूनिट सेल प्राइस 3.60 USP बोले तो। चलो मैं अपना देख दाख के आपको बता दूंगा USP क्या होता है और ये लैंग्वेज कहाँ से पढ़ाई जाती है मेरे को बता देना। की ओर से लड़ रही है अब मेरी पतंग, देखो ये लड़ाता हुआ मैं पतंग। ओह माय गॉड, मेरी इस बार जा चुकी है पतंग पूरी खींच मारी भर के। इसके पास या तो मेरे से बेटर मंजा होगा या तो इसने इंडियन मंजा मंगाया होगा। ये मैंने फुल खींच मारी है पूरी की पूरी। में तो मेरा वो वाला मंजा होता ना तो इसकी तो फाड़ देता। इतना कुछ अच्छा नहीं है। 560 रुपए में मेरे को 2.5 रील मिली है। मजा नहीं आया। ऑन करिए ऑन कर। गाइस देखो हमारा मंजा तोड़ते हुए, छोड़ दे, तोड़ लिया सालों ने मेरा मंजा। 9 कोड बोले तो इसके अंदर 9 धागे होंगे। इतनी अच्छी यार इसकी क्वालिटी नहीं है, देखना पूरा हाथ लाल हो गया मेरा तो। अब हम उड़ाऊंगा ए नाम वाला पतंग, जो ए वाली पतंग ली थी मैंने उसके मैं कन्ने बांध रहा हूँ। कन्ने अब इसको उड़ा देता हूँ। जब मैंने गेट को ऐसे करा ना तो इसमें से धुआं छूटा और इसके ऊपर जो चमकीली बता रहा था ना वो रियल है भाई। इसके ऊपर छोड़ी गई है वो चमकीली। नहीं इतनी बुरी मैंने अभी खींच मारी थी, अगर पूरी कोई और मंजा होता ना भर के काटता। स्टैंड में लगाते हुए अपनी चरखरी देखो आगे ले जा चुका हूँ और उससे लड़ाते हुए चमकीली है ये। इन्होंने जो कांच है ना वो ऐसी बुरक दिया है, जो रियल बात है। ये एवरेज क्वालिटी है, ये उनके लिए जिनको मंजे का ज्ञान नहीं है भाई। इस पे तो भीड़ लग रही है छत पे से, इस पे धड़ाधड़ उड़ रही है, धड़ाधड़ काट रहा हूँ और पीछे से तो उड़ी रही थी देखो उधर से। ये देखो जो बोला था उनकी तो भाई साहब भीड़ लगी हुई पड़ी उड़ाने वालों की। और ये गया देखो आई बो। अब गाइस लपेट के ले आओ इस पतंग को, देखो काटने के बाद इस तरह से लपेट के ले आओ देखो। चूतिया है क्या, हेफ्टे बजाऊंगा डंडे में। गई उसकी रुका के अभी रुक। गाइस जो हम पतंग क्या कहते हैं लपेटने जाते हो दिख रहा है वो जो बंदा दिख रहा है उसने अपनी पतंग बाड़ ली। मैंने तो साइड हटा ली, मुझे पता था उसकी जान ही जानी है उसकी, तो वैसे ही चली गई। गाइस जो अभी अभी जो उससे पहले जो वाली पतंग काटी थी ना अंकल की काटी थी, जो गीट बांधे देखो अपने हाथ में। मतलब देखो इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, वो आप देखना बाद में। और पतंगें देखो मेरे पे कुछ ऐसी हैं, रंग बिरंगी है, ए वाली है। इसमें दिखा दो जरा पोलोथीन में अपने आप ही, देखो कुछ ऐसी ऐसी पतंगें हैं। और आप कह रहे हो इस बार काइट स्टैश की वीडियो नहीं बनाई। यार देखो काइट स्टैश की कोई जरूरी नहीं है वीडियो, मेन है आपके पास मंजा होना चाहिए। मंजा पतंग की वीडियो में है, क्योंकि काइट स्टैश में आप देखोगे क्या। ठीक है चलो पतंग लड़ाते दिखाते हैं। गाइस देखो इन्होंने हमारी जैसी पतंग उड़ाई है, मतलब रंग बिरंगे वाली, हमारी जैसी तो नहीं है, लुल्लू थी। उन्होंने तो फाड़ ली अपनी पतंग। ओ भाई साहब मेरी काट दी उन्होंने तो, मैं तो उनकी बेइज्जती मारने का, उन्होंने तो मेरी गजब बेइज्जती। गाइस मैंने इसके बांध लिए कन्ने। पर शिवम सूरती मांझा का एक चीज और बताता हूँ आप सभी को, क्योंकि यार यूज करने पर ही पता चलता है मैंने उड़ाई चील काट पतंग। ये मंजा ना उनके लिए अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है ना बहुत ही ज्यादा, उसको खींच वींच मारने का बहुत ही वो है, तो वो उड़ा सकता है। और देखो हमारे पीछे से उड़ रही है एक पतंग, पीछे वाला उड़ा रहा है हमारे से। इससे पता कौन जो पीछे वाली उड़ रही है ना, दिखाना जरा टाट के ऊपर
इससे पता कौन लड़ा था? अंकल जी लड़ाते हैं यहाँ पे। ये देखो काटो, जिसने मेरी पहले काटी थी और फंस चुकी है गाइस पूरी पतंग। आई बो आई बो, पूरी पहले फंस गई थी, काट दी क्योंकि मैंने पतंग ही ऐसी उड़ाई बढ़िया वाली। और देखो पीछे वाले की एरी, इसकी और काटता हूँ अभी। गाइस देखो पीछे वाले की एरी पतंग, ये काटते हुए मैं क्या नहीं फंस गई है, तो फंस चुकी है। आई बो आई बो। गाइस देखो ये काटी है मैंने पतंग और ये जाती हुई, पकड़े जरा पीछे वालों की, देखी कैसी काटी, पहले खींच मार दो, फंस जाए तो पूरी पूरी धटके मारो। अगर एक्सपीरियंस बंदा कोई नहीं होता ना, बता रहा हूँ कटवा बैठता। और वो गिरी आसपास में ही है, मुझे मन कर रहा है उसको उठा के ले आऊं पतंग को। गाइस देखो नेक्स्ट पतंग काटते हुए मुझे लग रहा है ये वीडियो यहीं तक की है। मंजा देखो हाथ में, अब ये तो आई नहीं रहा वीडियो में। भाई मेरा चैलेंज होएगा थोड़ी देर में, वेट करो। पतंग कब उड़ा रहे हो? पतंग की वीडियो नहीं आ रही है, कह रहे चैनल पे तुम जा ही नहीं रहे। पंजाब अमृतसर वगैरह मुंबई मुंबई चले जाओ कहीं। पंजाब पुराना किला, लाल किला, बस अड्डा, चांदनी चौक, कहीं तो जाके पतंग उड़ाओ भाई। पंजाब की पतंग की देखो। चलो गाइस ये वीडियो यहीं तक की है, मिलते फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। चलो गाइस गाइस ये वीडियो यहीं तक की, मिलते फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है देखो इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।